नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। छेड़खानी का विरोध करने पर दबंग युवक ने युवती के चेहरे पर चाकू से किया हमला, युवक हुआ गिरफ्तार। बलिया में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवती पर जानलेवा हमला किया गया है। मामला बांसडी रोड थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ रहने वाली एक युवती पर गाँव के ही एक दबंग युवक ने चाकू से चेहरे पर वार किया है। बताया जा रहा है कि दबंग युवक युवती को घर में अकेला पाकर घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसका विरोध करने पर दबंग युवक ने युवती के चेहरे पर चाकू से कई वार किए और फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवती का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले पर तत्परता दिखाते हुए बलिया पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। अखिलेश सैनी, बलिया की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। घनश्याम। अभी आप जिला अस्पताल में आए हुए हैं, क्या मामला है? तो लड़की को जो है हम घर पर अकेले थे, कोई नहीं है, हमारे इसकी पहले डेट हो चुकी थी, दो बहन थी, एक बहन आज ही नवेडा गई, 2:30 बजे मैं शौच के लिए गया, तब तक हम केसर सिंह के लड़के टूना सिंह है घर में घुसकर छेड़छाड़ करके छेड़ने की कोशिश की और उसके बाद मैं चाकू से मारा। अच्छा, अभी मतलब हालात क्या है? अभी डॉक्टर क्या बता रहे हैं, यहाँ के डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर सर ये बात नहीं है। अच्छा, अभी अभी आए हैं आप? ठीक। आज बांसडी रोड थाना क्षेत्र में एक युवती पर एक युवक ने चाकू से हमला किया, जिसमें कि उसे चेहरे पर चोटें आई है। दोनों युवक और युवती पूर्व से परिचित थे और एक ही गाँव के रहने वाले हैं। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा और युवती को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है, जहां की उनकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस ने तत्परता से टीम बनाकर गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें डीडी टुडे।